वो जैसे ही बचपन से लेकर आज तक प्रवृत्ति इतनी कंजूस रही है, कमाने के लिए तो रहा है, खूब कमाना है, मेहनत करनी है, लेकिन खर्चे के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। कोई भी सामान बाजार में खरीदने गए, 10-10 चक्कर लगा लिए, लेकिन खरीदारी नहीं हो पाती, अपने ऊपर खर्च नहीं हुआ कभी भी, खाने पे ना पहनने पे, बचपन से लेकर आज तक। और दान के नाम पे तो मतलब जेब में हाथ भी नहीं जाता कि पंजी भी किसी को दे दूँ। पहले सत्संग से पहले तो लोगों को दुत्कार दिया करता था, सत्संग के बाद इतना हुआ है कि कम से कम उनको दुत्कारता नहीं हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ भाई चलो ठीक है आगे, लेकिन वो दान के लिए नहीं निकलता। और जो पैसा कमाया है ज़्यादातर कभी केस में लग गया या बीमारियों में लग गया, मतलब अच्छी जगह तो खर्च नहीं हो पाता है। हाँ, मगर अभी सत्संग में आया तो सत्संग के लिए थोड़ा खर्चा हो जाता है ना, बहुत एक हाँ बहुत 0% से भी 0% होना शुरू हुआ है अभी कुछ हाँ, समय तो से। उसमें थोड़ा बढ़ाने का, चलो इस टाइम पे हम खाने में चलो 100 रुपया दान दे देंगे, मंदिर में 50-100 रुपया डालेंगे, थोड़ा थोड़ा शुरू करने का, मन को थोड़ा पटाके डलवा देने का, लोभ की ग्रंथि टूटेगी। बहुत ही मोटी लोभी गनती है, और अपने लिए तो खर्च हुआ ही नहीं आज तक पैसा। हाँ, मगर तो बच्चों के लिए या किसी और के लिए उतना तो हो जाता है उसमें। हाँ, बच्चों के लिए वो खर्च करते रहे अपने वो लिए है, वाइफ और बच्चों को देते हैं, पर वहाँ तो हम कभी गुस्सा करते हैं या डांटते ऐसे नहीं करते हैं। नहीं 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 नहीं, नॉर्मल चलता है व्यवहार। हाँ, उधर मतलब खुद सामान लेने कुछ जाऊंगा तो 10 दफा चक्कर लगा लिए मार्केट में, तब भी एक बार लेकर आऊंगा, नहीं तो कई बार चक्कर लग जाते हैं। हाँ, अभी एक काम करो, कुछ भी ऐसे भावना करो कि चलो ये भगवान सिमंदर स्वामी, हमारी लोभ की ग्रंथि भी टूटेगी और दूसरे भव उनका अनुसंधान हमारा साथ होगा, तो हम भगवान के काम में चैरिटी में डालेंगे, तो ये अंतराय टूटेंगे हमारे लक्ष्मी के, बहुत बड़े अंतराय, और लोभ की ग्रंथि भी टूटेगी। ठीक है, तो ये उपाय कर सकते हो। तो इसको लालच में ले जाएंगे, कंजूसी में ले जाएंगे, लोभ की ग्रंथि, लोभ हमेशा नहीं, छोटी चींटियां है इकट्ठा करने में ही खुश है, इकट्ठा करेगी गोडाउन में रख के आएगी, एक चूहा एक दिन घुस जाएगा, एक साल की मेहनत उसके खा डालेगा। ऐसा ही हुआ था नोटबंदी में भी, ऐसे हुआ था। हाँ, नुकसान काफी हो गया था। नहीं, हमारे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा घर में हो जाएगा तो जो 50 लाख बचाया है नुकसान हो जाएगा, हम नहीं वापर सकेंगे, मगर घर में 2 चूहे ऐसे आ जाएंगे, सब पैसे खा जाएंगे। ऐसे ही होता है कुछ। तो इसके लिए लोभिया लोभ की ग्रंथि तोड़ने का उपाय है, एक उपाय कुदरत करती है, इतना बड़ा नुकसान आता है तो लोभ की ग्रंथि टूटेगी, हे भगवान अभी मैं जमा नहीं करना पैसा। या तो दूसरा उपाय है, कुछ धर्मादा करो, दान करो। नहीं, अभी नहीं टूटी पूज्य श्री, तो उसके बाद भी नहीं टूटी, अभी हाँ, भी चालू ही है। नहीं, फिर भी इतनी भावना करने की, चलो सत्संग में हम जाएंगे, हमारे साथ 2 आदमी है, चलो खाने का पैसा मैं दे दूंगा, क्योंकि ये ऐसी मेरी भी प्रकृति थी, दादाजी ने मुझे बताया था, तू वणिया वाणिक है, पैसा नहीं छूटेगा तेरे से, खुद के लिए तो नहीं छूटता है, पर इतना करने का, किसी के साथ बाहर गांव गया है, चलो मेरे तरफ से खाने का सब खर्चा मैं दे दूंगा, टिकट का खर्चा, एयरपोर्ट गए तो टिकट का खर्चा मैं दे दूंगा, तो धीरे धीरे पैसे में दूसरे के लिए वापरने में मन खुला हो गया। नहीं नहीं पूज्य श्री, ये तो कर लेता हूँ, कोई मेरे से छोटा हो उम्र में, और चाहे वो 10 जने हो, उनको खिलाना हो, कुछ करना हो, तो वो मैं अपनी जेब से करता हूँ, उनका किसी का खर्च नहीं कराता, ये तो बचपन से याद आता है। ये करने का, दूसरे के लिए वापरो, घर के लिए जो वापरते हो तो मोह के खाते में जाएगा जी, पर पड़ोसी है पराया लोगों के लिए डोनेशन दिया, वो लोभ की ग्रंथि टूटेगी।